praise the name of the Lord. Praise the blessed name of the Lord. Praise the blessed name of the Lord. Hallelujah. 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 Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus Christ, King of Glory. Bless you, Jesus Christ, King of Glory. Hallelujah. Hallelujah. Bless your holy name, Lord. Bless your holy name, holy name. Bless your holy name, Lord. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Blessed be your name, King of Glory. Blessed be your name, King of Glory. Glorify you. Lord, we glorify you. Glorify you. Glorify you. Haya Asher Haya. Haya Asher Haya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का सोग करूं। चट्टान है मेरी मेरा खुदा, चट्टान है मेरी मेरा खुदा। वो मुझसे हरदम कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा। होगा किस दिन दीदार तेरा, होगा किस दिन दीदार तेरा। कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू मेरी रू।
खुदा की प्यासी है मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी रूह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। लॉर्ड वी ग्लोरिफाई योर नेम, लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम लॉर्ड, ब्लेस योर होली नेम, ब्लेस योर होली नेम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Our God is an awesome God. He does wonders in heaven above, upon the earth and beneath the earth. There is none like Him and there is none besides Him. Who can compare in His majesty? Who can compare in His glory? He's almighty. Hallelujah. Let us bow the knees of our heart and worship Him. Hallelujah. El Gibor, El Elyon, El Shaddai, El Eloha Yisrael. Hallelujah. Let's bless Him. Worship Him. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से कुछ आपको बताना चाहता हूँ।
हमें हमारे परमेश्वर का सही स्वरूप, सही चेहरा, हमारे परमेश्वर का सही किरदार, सही कैरेक्टर, सही गुण, हमारे परमेश्वर की सामर्थ, पराक्रम, हमारा परमेश्वर किस रीति से काम करता है और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, ये हमें तब पता लगेगा जब हम परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन करेंगे और जब हम सच्चा कलाम सुनेंगे। अगर आप परमेश्वर के फॉल्स गॉस्पल को सुनेंगे तो परमेश्वर की फॉल्स इमेज आपके अंदर क्रिएट होगी, लेकिन जब आप सच्चा वचन सुनेंगे तब आपको पता लगेगा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर के राह क्या हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं चाहता हूं आप एक वचन पढ़ें, प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 13 एंड वर्स नंबर 19। प्रेरितों के काम 13 का 19 पढ़िए प्लीज। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 13:19 को प्लीज टाइप कर दीजिए कोई। प्रेरितों के काम 13 का 19। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, गॉड डिस्ट्रॉयड 7 नेशंस एंड ही गेव देयर लैंड टू इज़राइल। परमेश्वर ने 7 देशों को डिस्ट्रॉय कर दिया, ओरिजिनल वर्ड है एनाइलेट कर दिया। 7 देश हैं जिनका सर्वनाश कर दिया यहोवा ने, और वो धरती यहोवा ने कनान की धरती अपनी प्रजा इसराइल को दे दी। शॉकिंग है ना ये स्क्रिप्चर कि परमेश्वर ने 7 देशों को नाश कर दिया। लोगों ने परमेश्वर की सेंटा क्लॉज टाइप इमेज बना के रखी है, सेंटा क्लॉज टाइप, इसलिए लोग परमेश्वर के असली कैरेक्टर को, असली किरदार को नहीं जानते, और लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है अय्यूब से, शैतान से, हैव यू कंसिडर्ड माई सर्वेंट जॉब, देयर इज नॉट लाइक हिम। पढ़िए एक वचन मेरे संग, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनमी 32, व्यवस्था विवरण 32 में से, व्यवस्था विवरण 32 का 39। देखिए प्रभु क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 32 एंड वर्स नंबर 39, 32 का 39। देखिए प्रभु क्या कहता है, सी नाउ दैट आई इवन आई एम ही एंड देयर इज नो गॉड विद मी, आई किल एंड आई मेक अ लाइव, आई वूंड एंड आई हील, नीदर इज देयर एनी दैट कैन डिलीवर आउट ऑफ माई हैंड। सुन लो ध्यान से, यहोवा परमेश्वर का वचन। यहोवा परमेश्वर कहता है, सी दैट आई इवन आई एम ही, कि मैं ही यहोवा हूं और कोई और देवता नहीं है मेरे साथ। आई किल, मैं मारता हूं, एंड आई मेक अलाइव, और मैं मुर्दों में से जिंदा भी करता हूं। देख रहे हो यहोवा परमेश्वर का स्वभाव। यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं आई किल, मैं मारता हूं और मैं जीवित करता हूं, एंड आई मेक अलाइव, आई वूंड एंड आई हील, मैं जख्म भी दूंगा और मैं चंगा भी करूंगा। नीदर इज देयर एनी दैट कैन डिलीवर आउट ऑफ माई हैंड, कोई है नहीं ऐसी ताकत जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके। स्केरी है ना, थोड़ा डर लगता है ना। प्रभु कहता है, मैं मार देता हूं, मैं मारता हूं, प्रभु कहता है, मैं तुझे जख्म दूंगा, लेकिन अगर तू मेरी ओर लौटेगा
मैं तुझे जीवित कर दूंगा और मैं तेरे जख्म चंगे भी करूंगा, लेकिन यदि तू मेरे मार्गों से भटकेगा, यदि तू मेरे हुक्मों की पालना नहीं करेगा, तो प्रभु कहता है मैं मारूंगा तुझे और मैं तुझे जख्म भी दूंगा। परमेश्वर आपके माइंड से बड़ा, आपकी सोचों से बड़ा है। परमेश्वर दोनों चीजें, परमेश्वर अनुग्रह भी है और सच्चाई भी है। वही सत्य है और वही अनुग्रह है। परमेश्वर को अपनी सोचों के अनुसार छोटा मत, सीमित मत करें, वो असीमित है। परमेश्वर जख्म देता है, परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। वो जख्म देता है, मारता है। थियोलॉजी चेंज, आपकी थियोलॉजी को चैलेंज कर रहा है ना ये कलाम, जो थियोलॉजी गुड्डी गुड्डी आपने बना रखी है अपने अंदर। परमेश्वर आपकी थियोलॉजी को मैसअप करता है। He is good at both hurting and healing. वो चंगा करने में और जख्म देने में, दोनों बातों में वो बहुत स्किल्ड है, यहोवा परमेश्वर। हार्म करने में और चंगा करने में, नो कॉन्ट्राडिक्शन। वो कहता मैं पनिश करता हूँ, मैं सजा देता हूँ, लेकिन मैं गले लगा के चंगा भी करता हूँ। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो इब्राहिम हमारे पिता का, इसहाक हमारे पिता का, यकूब हमारे पिता का परमेश्वर है। अय्यूब 5:18 में वो तोड़ेगा, मरोड़ेगा और तुझे बैंडेज भी करेगा, पट्टी भी करेगा। पढ़ लीजिए अय्यूब की किताब 5 अध्याय, उसका 18 वचन। अय्यूब 5:18 क्या कहता है प्रभु यहोवा? प्रभु यहोवा कहता है, इफ ही डिस्ट्रॉय हिम फ्रॉम हिज प्लेस, देन ही शेल डिनाई हिम सेइंग आई हैव नॉट सीन दी। पहला सैमुएल 2 अध्याय जल्दी से पढ़िए। पहला सैमुएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय। पहला सैमुएल 2 अध्याय 6 वचन। पहला सैमुएल 2:6 सुने। द लॉर्ड किलेथ एंड द लॉर्ड मेकेथ अलाइव, ही ब्रिंगेथ डाउन टू द ग्रेव एंड ब्रिंगेथ अप। यहोवा मारता है, यहोवा जिलाता भी है। पहला सैमुएल 2 पढ़िए आप 6 वचन। पहला सैमुएल 2:6 क्या कहता है यहोवा? द लॉर्ड किलेथ एंड मेकेथ अलाइव, यहोवा मारता है और जिंदा भी कर देता है। वो कब्र में भी ले जाता है और कब्र से बाहर भी निकाल लेता है। दोनों काम यहोवा करता है। क्या परमेश्वर नाश करता है? ओहो, ये थियोलॉजी आपने कहीं सीखी नहीं होगी। आपने यहोवा की बहुत गुड गुड गुडी गुडी इमेज बना के रखी है ना? लोग प्रभु को जानते नहीं, प्रभु के काम करने के मार्ग विधियों को नहीं जानते। फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स थियोलॉजी अपने जहन में पाली हुई है। परमेश्वर नाश करता है। परमेश्वर ने 7 देशों को नाश कर दिया। अरे भाई, परमेश्वर ने सदोम और गमोरा पे, जीविते लोगों पे आग और गंधक बरसा दी स्वर्ग से। स्वर्ग से आग और गंधक भेजी और सबको नाश कर दिया। फ्रोजन हो गए लोग। लूत की बीवी, उसका कसूर था पीछे मुड़ के देखना, और पीछे मुड़ के ना देखना परमेश्वर की आज्ञा था। परमेश्वर के दूतों ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो उसे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए थी। आपको मालूम, परमेश्वर की आज्ञा मानने में जीवन है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने में मृत्यु है। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ोगे तो मृत्यु का डंक लगेगा। और वो वहीं खंभा, जरा कल्पना करें, लूत ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, लूत के दूसरे हाथ में उसकी बेटियों के हाथ हैं, वो भागे जा रहे हैं और पीछे आग गिर रही है, ऊपर से गंधक बरस रही है। लूत की बीवी लूत के हाथ में उसका हाथ है, ऐसे पलट के पीछे देखती है
और नमक का खंभा बन गई। लूत के हाथ में उसका हाथ था, लूत को पता लग गया क्योंकि उसकी बीवी का हाथ सॉलिड बन गया। लूत को पता लग गया कि कुछ हो गया। अगर लूत अब पीछे पलट के अपनी बीवी को देखता है ना, तो लूत भी नमक का खंभा बन जाएगा। तो लूत ने क्या किया भाई और बहनों, लूत ने वहीं अपनी बीवी का हाथ छोड़ दिया और अपनी बेटियों को लेके आगे भागता रहा। अगर लूत और उसकी बेटियां पीछे मुड़ के देखेंगी तो लूत और लूत की बेटियां भी नमक का खंभा हो जाएंगी। सुन रहे हो मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हल पे हाथ धर के पीछे देखता है वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। अब पीछे मत देखिए। पीछे जो जीवन था वो अंधकार का था, वो पाप में डूबा हुआ जीवन था, वो गंदी वासनाओं का, बुरे कामों का जीवन था, वो ख़त्म हो गया, वो रहा ही नहीं। अब यीशु मसीह ने मिटा दिया उसे अपने लहू के द्वारा। अब पीछे नहीं जाना है, अब आगे जाना है। हालेलुया। पीछे मृत्यु है, आगे जीवन है, आगे की ओर जाना है। प्रभु मारता है, प्रभु जीवित करता है, कब्र में डालता है, कब्र से निकाल भी लाता है। उसी ने सदोम गोमोरा के ऊपर आग बरसाई है। हालेलुया। उसी ने, यहोवा ने। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जबूर क्या कहते हैं? जबूरों में लिखा है, ही रेन्ड फ्रॉम हेवन फायर एंड ब्रिमस्टोन। जबूरों में लिखा है। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ देता हूँ, मेरे संग वचन देखिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए उत्पत्ति, जेनेसिस 19, जेनेसिस 19 का 24 से। देन द लॉर्ड रेन्ड अपॉन सोडम एंड गोमोरा brimstone and fire from the Lord out of heaven। कहाँ से बरसा दिए यहोवा ने? स्वर्ग से, जीवते लोगों के शहर पे। कुछ लोग मानते हैं कि इन दो शहरों में 3 मिलियन के करीब लोग थे, 30 लाख लोग थे। सबको यहोवा ने नाश कर दिया। 30 लाख लोगों में से केवल 3 बचे, नू और लूत और लूत की 2 बेटियां। बीबी निकली तो ज़रूर, लेकिन रास्ते में खंभा बन गई। और लिखा है, एंड ही ओवरथ्रू दोज सिटीज ऑल द प्लेन एंड ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी विच ग्रू अपॉन द ग्राउंड बट हिज वाइफ लुक्ड बैक फ्रॉम बिहाइंड हिम एंड शी बिकेम अ पिलर ऑफ सॉल्ट। उत्पत्ति 19:24-25-26 26 में लिखा, नमक का खंभा बन गई। जो फ्लड आया ना नूह के समय, वो यूनिवर्सल फ्लड था। उत्पत्ति 6:13 पढ़े, प्रभु ने कहा, आई विल डिस्ट्रॉय ऑल ब्रीदिंग थिंग, मैं जो भी जमीन पे जिंदा जान है सबको मार डालूंगा। ये परमेश्वर है हमारा, सनातन का परमेश्वर। ये नहीं कि ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर और है, न्यू टेस्टामेंट का और है। ये एक ही परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। ये वही परमेश्वर यहोवा है जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है और हमारा स्वर्गीय पिता है। और ये परमेश्वर क्या कहता है मलाकी नबी के द्वारा, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूँ। और ये परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज़ द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। हालेलुया। देखिए वचन में, पढ़ें ध्यान से, प्रभु ने क्या क्या किया। सदोम गमोरा को परमेश्वर ने आग बरसा के नाश कर दिया। नूह के समय की दुनिया को जल प्रलय भेज के नाश कर दिया। नदाब अबीहू
लेवी व्यवस्था 10 अध्याय के 1-2 वचन में पढ़ें। वो परमेश्वर के महायाजक के बेटे थे, किसके? हारून के। दोनों को मार दिया वहीं यहोवा ने, क्योंकि वो फॉल्स वर्शिप कर रहे थे। यहोवा के आगे स्ट्रेंज फायर, यहोवा के आगे वही आग लेके जानी है जो स्वर्ग से आई है। यहोवा के आगे पृथ्वी की आग लेके जाओगे तो यहोवा की आग मार देगी। नदाब अबीहू पृथ्वी की आग डाल के यहोवा के सन्मुख धूप दुखाने चले गए और यहोवा के हजूर से आग निकली और आग ने इन दोनों को मार दिया। लेवी व्यवस्था 10:1-2। ऊजा नाम का राजा, राजाओं की पुस्तक में लिखा है, ऊजा राजा था, वो परमेश्वर के हजूर में चला गया धूप दुखाने के लिए। उसके मत्थे पे कोढ़ निकला और जिंदगी भर कोढ़ी होके रहा वो। हनन्या और सफीरा की कहानी सुनी है आपने प्रेरितों के काम में। उन्होंने प्रभु को कुछ देने का वायदा किया लेकिन मन में ठगी आ गई, लालच आ गया, यहोवा से झूठ बोला और चोरी की, और हनन्या और सफीरा दोनों मर गए। पतरस के आंखों के सामने दोनों की डेथ हो गई। ऊजा को मार दिया परमेश्वर ने, हनन्या सफीरा को मार दिया। और आपको मालूम ऊजा वो था जो उजाया राजा था जिसे यहोवा ने मारा, जो यहोवा के पवित्र स्थान में जा रहा था याजकों का काम करने। और ऊजा नाम का व्यक्ति वो था जब ऐद के संदूक को लेकर आ रहे थे, 2 सैमुएल 6:7, 2 सैमुएल 6:7। ये वो है व्यक्ति जो यहोवा के ऐद के संदूक को हाथ लगा देता है तो यहोवा की हजूरी वहीं इसे मार देती है। हालेलुया। आपको मालूम यहोवा का एक एंजल हिजकिया दुआ करता है और एक दूत आके 185,000 लोगों को मार देता है। यहोशाफाट राजा 3 देशों की आर्मी को, फौज को डिस्ट्रॉय कर देता है परमेश्वर उसके द्वारा। रेवलेशन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में 7 मोहरे हैं, 4 घोड़ों पे सवार निकलते हैं, 7 कटोरे हैं, 7 तुरियां हैं। जब एक एक तुरी, एक एक कटोरा, एक एक मोर तोड़ी जाती है, बलाएं ज़मीन के ऊपर आती हैं। वॉर्स, लड़ाइयाँ, अकाल, मृत्यु, लोग मर जाते हैं, लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ, बवाएं आती हैं ज़मीन के ऊपर, अकाल पड़ता है भयंकर, पताल नरक खुल जाते हैं, लेक ऑफ फायर खुल जाता है। पढ़िए एक वचन मेरे साथ, साम 15 भजन 15 हालेलुया, 15 भजन में उसका 22 वचन, 15 भजन का, सॉरी 15 भजन नहीं है, 9 ये नहीं है, देखो 9 व्यवस्था विवरण में से पढ़ें एक वचन, ड्यूटरोनमी व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनमी, टर्न ओवर टू 7:1, ड्यूटरोनोमोस, 2 वर्ड से ड्यूटरो, सेकेंड नोमोस लॉ, इट्स अ ग्रीक वर्ड, सेकेंड लॉ विच मीन्स मोसेस वॉज रीइटरेटिंग द लॉ, सेकेंड टाइम ही वॉज रिहर्सिंग द लॉ बिफोर मोसेस वॉज गोइंग टू गो टू बी विद द लॉर्ड। तो ड्यूटरोनमी 7:1 पढ़ें, When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and has cast out many nations before thee, the Hittite, the Girgashite, the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, and the Hivite, the Jebusite, 7 nations greater and mightier than thou. ये जो 7 nations हैं जिनके यहाँ पे नाम लिखे हैं,
ये नफलीम्स हैं, ये प्योर ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये मिंगल्ड सीड है, ये मिक्स्ड ब्रीड हैं। दे आर जायंट्स, दे आर ह्यूज, टॉल इन स्टैचर, बड़े बड़े दैंत हैं ये, और इन्हें मनुष्य मार नहीं सकते, मनुष्य इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो इन्हें कौन मारता है? स्वयं यहोवा। यहाँ लिखा सेकंड वर्स में, एंड व्हेन द लॉर्ड दाई गॉड शैल डिलीवर देम बिफोर दी, thou shalt smite them and utterly destroy them, thou shalt make no covenant with them nor show mercy unto them. इनको annihilate करना है completely, इनके संग संधि नहीं करना, absolutely destroy them, kill them, do not show any mercy. This is kind of a genocide that God is asking. क्यों? क्योंकि ये जो राष्ट्र हैं ये मनुष्य नहीं है, इनके अंदर fallen watcher का बीज है, और अगर ये जीवित रहेंगे इसराइलियों को करप्ट कर देंगे, इसराइलियों की ब्लड लाइन को भ्रष्ट करेंगे। इसलिए यहोवा परमेश्वर इन्हें क्या कहता है कि पूरी तरह इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हालेलुया। मैं आपको जुबली की बुक में से बहुत सारी वर्सेस दे सकता हूँ। जुबली बाइबल में नहीं है, जुबली की किताब, लेकिन जुबली की किताब यहूदी लोगों की किताब है। जुबली की किताब 10 अध्याय के 28 वचन में लिखा गया है नूह के बेटों को कैसे कैसे लैंड डिवाइड किया गया। जुबली 10:28 बताती है कि हैम और उसके, हाम और उसके बेटों को पोर्शन दिया गया था लैंड का, और केनन कनान पे कर्ज था, वो श्रापित था। और अगर इसका 30th वर्स पढ़ेंगे जुबली 10:30 में, हैम वॉन्टेड टू स्ट्रेटन केनन, सेटल्ड इन द लैंड नॉट दाइन, केनन विल फॉल, विल बी कर्स्ड। केनन के ऊपर श्राप इसलिए आया क्योंकि वो दूसरों की धरती को यूजर्प करता है। 29 वर्स जुबली 10:29 में लिखा, केनन डिड नॉट गो टू द लैंड गॉड गेव हिम, जो ज़मीन खुदा ने उसको दी वो उसमें नहीं गया, बट यूजर्प द लैंड ऑफ इज़राइल, कूश इथियोपिया पुत लीबिया, ये जो लैंड के विषय में बाइबल में लिखा है। जुबली 10:38 में लिखा, ड्वेल नॉट इन द ड्वेलिंग ऑफ शेम, लैंड वॉज गिवन बिफोर एब्राहम टू शेम, एब्राहम से पहले शेम को वो जगह दी गई थी, गिवन टू एब्राहम्स असेंडेंट, डिसेंडेंट, असेंडेंट, हाँ डिसेंडेंट नहीं असेंडेंट होगा, इब्राहिम का पूर्वज, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द आर्क, दैट्स वाई गॉड चोज इब्राहिम, गेव हिम प्रोमिस। जुबली 10:32 बताती है, कर्स्ड बी दाउ केनन एंड बियॉन्ड ऑल द सन्स ऑफ नोहा, वर्ड 33 बताती है, डिड नॉट हर्कन अन टू हिज फादर एंड सिबलिंग अनटिल दिस डे, ये उसकी हिस्ट्री बताई गई है सारी। तो परमेश्वर भाई और बहनों मार देता है परमेश्वर। मैंने आज सुबह आपको वचन बताया था, प्रभु यहोवा क्या कहता है मीका नबी 6:13 में, तेरे पापों के कारण मैं तुझे घायल करता हूँ। मीका नबी 6:13 वचन पढ़ लीजिए, बिकॉज ऑफ योर सिंस आई वूंड यू एंड आई डिस्ट्रॉय यू, तेरे पापों के कारण मैं तुझे घायल करता हूँ और तुझे नाश कर देता हूँ, उजाड़ देता हूँ। मीका 6:13। हालेलुया। और क्या कहता है प्रभु, साम जबूर भजन संहिता 38:3 में, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में हेल्थ नहीं है, मेरे फ्लैश में हेल्थ नहीं है, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में चैन नहीं है, मेरी बोन मैरो के अंदर आराम नहीं है, राजा दाऊद कहता है। किसके कारण? पाप के कारण। हालेलुया। इज़ेकियल 4:17 में लिखा है, क्या लिखा है, वो अपने अधर्म के कारण सूख जाएंगे, पाप के कारण उनका शरीर भी सूख जाएगा। जबूर 107:17 में लिखा है, मूर्ख जो है अपने पापों और अपनी बदकारियों के कारण दुख भोगता है, मूर्ख व्यक्ति अपने पाप और अपनी बदकारियों के कारण दुख भोगता है। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों,
यहोवा परमेश्वर को समझें, यहोवा परमेश्वर को जानें, उसके सच्चे वचनों को पढ़ें, उसके करीब आएं, उसके कलाम को सीखें, उसकी हजूरी में समय बिताएं। हालेलुया। और सच्चा वचन सीखें ताकि आपको पता लगे प्रभु कैसे काम करता है, प्रभु के मार्ग क्या हैं। हालेलुया। प्रभु की व्यवस्था कैसी है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। एक बहुत अद्भुत गवाही ऑस्ट्रेलिया से सिस्टर विनीता चोपड़ा ने भेजी है, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे हम। कुलवीर जी, जिनको वेंटिलेटर पे डाला था, जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, ऑक्सीजन लेवल वाज डिमिनिशिंग रैपिडली एंड दैट मैनज लाइफ वाज इन सीरियस डेंजर, द लॉर्ड हैज़ डन अ मिरेकल, देयर इज़ अ सब्सटेंशियल प्रोग्रेस दैट द डॉक्टर्स हैव सीन इन दैट मैनज लाइफ। हालेलुया। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे एक बार फिर मिस्टर कुलवीर के लिए। खुदावन, तेरा खून उसके ऊपर छिड़कते हैं, तो उसे जीवन देना और एक गवाही पैदा करना उन लोगों के बीच में, अन्य जातियों को अपने चरणों में लाना खुदावन ऑस्ट्रेलिया में। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। खुदावन, मैं प्रकाश मंगत के लिए, जिन्होंने इंग्लैंड से अपने बेटे के लिए, खुदावन उनके बेटे को एडिक्शन से छुड़ाना, तेरा लहू उनके बेटे पे मैं छिड़कता हूँ, और प्रकाश कौर पे भी, प्रकाश मंगत पे भी आपका मैं लहू छिड़कता हूँ खुदावन। खुदावन, इंग्लैंड से मिस्टर बलवीर ढिल्लों को तेरे लहू के साये के नीचे लाता हूँ, तेरी बरकत को खोलता हूँ मिस्टर बलवीर ढिल्लन पे, अपने लहू में उसे छिपाइए खुदावन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन, तू महान है, तू दयालु और पराक्रमी है। हाँ खुदावन, मैं एरन के लिए, एक भाई स्टीफन के बेटे इंग्लैंड से, उनके बेटे एरन को भी तेरे लहू में छिपाता हूँ, तेरी प्रतिज्ञा, तेरी वाचा के संग उसे मैं बांधता हूँ, तेरी कृपा उसके जीवन पे हो खुदावन। खुदावन, मैं सिस्टर मीना और उनके पति सुरेश के लिए इंग्लैंड से तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जो वो तेरे काम के लिए जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका भी उन्हें 100 गुना प्रतिफल देना, आशीषित करना, और उस जगह को भी तेरे नाम में मखसूस करते हैं खुदावन, जहाँ पे तेरे नाम की संगति शुरू की जाए, तेरा काम शुरू किया जाए। तू लोगों से बातें कर रहा है, लोगों के दिलों को खोल रहा है कि लोग तेरे, खुदावन तेरे ही लोग तेरे काम के लिए देंगे, तेरे ही लोग तेरे राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और तेरा राज्य फैलता जाएगा खुदावन। तो खुदावन, तेरा धन्यवाद करता हूँ मीना और सुरेश के लिए, तेरी बरकत को उनके जीवन पर मैं खोलता हूँ। सुनीता कौर को खुदावन, उनकी बेटी एंजला ड्रोच को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावन। हम मिलके प्रार्थना करते हैं रूबी संगेरा की सिस्टर के लिए, जो खुदावन हॉस्पिटल में उसकी किडनीज के लिए प्रार्थना करते हैं। तू खुदावन तलजिंदर को छू और चंगा कर, तेरा खून छिड़कते हैं खुदावन उसके ऊपर। सुनीता कौर के लिए, उनकी बेटी एंजला ड्रोच के लिए, उनके पूरे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे लहू में इनके घराने को छिपाते हैं खुदावन, तेरी आशीष, तेरी बरकत के संग बांधते हैं खुदावन। तू बहुत सारे लोगों के जीवन में काम कर रहा है जो तेरे लोग हैं, तू चंगाई का काम कर रहा है, छुटकारे का काम कर रहा है, अपनी गहरी संगति में लोगों को लेकर आ रहा है खुदावन। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा। अंजू मसीह को खुदावन, जो बहुत दिन से हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसे भी तेरे लहू में छिपाते हैं। अंजू मसीह को आशीषित करना, उसके जीवन में जो कुछ चल रहा है तू जानता है खुदावन, उसके माइंड में जो कुछ चल रहा है वो भी तू जानता है खुदावन, तो उसे भी तेरे हाथ में देते, तेरा खून छिड़कते हैं यीशु नासरी खुदावन। मैं बिल, भाई बिल के लिए जो कैलिफोर्निया में है, प्रार्थना करता हूँ तेरी आशीष का हाथ भाई बिल के ऊपर हो, तेरा लहू उस पर छिड़कता हूँ, उसे संपूर्ण रीति से तू चंगा करना अपना हाथ बढ़ा के खुदावन। खुदावन, मैं पास्टर जिम को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावन, उन्हें अपने हाथ में लेना, अपने लहू के साये के नीचे रखना, पूरी फेलोशिप को, कलीसिया को तेरे लहू के साये के नीचे छिपाता हूँ, तेरी आशीष के साये के नीचे रखना खुदावन। हालेलुया। खुदावन यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो खुदावन, तेरे नाम की
तेरे जलाली नाम की महिमा हो। खुदावन तेरा वचन फैले, तेरा कलाम फैले खुदावन, तेरा नाम फैले खुदावन, उसके लिए हमें इस्तेमाल कर खुदावन। ये जितने लोग तेरा वचन सुनते हैं, ये केवल सुनने वाले नहीं खुदावन, ये वचन इनकी ज़िंदगियों को बदले खुदावन, और खुदावन ये तेरे वचन को फैलाने वाले बने। तेरा लहू मैं इनके जीवन के ऊपर उंडेलता हूँ, तेरा खून उंडेलता हूँ खुदावन, तेरा लहू उंडेलता हूँ। हालेलुया। प्रभु एक एक जन को प्रार्थना करने वाला बना खुदावन। खुदावन हम क्लारा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्लारा के ऊपर तेरी आशीष हो, इमैनुअल सिंह के ऊपर तेरी आशीष हो, तेरा लहू छिड़कते हैं खुदावन, इन्हें भी चंगा कर छू के खुदावन। यीशु नासरी तेरा धन्यवाद खुदावन, तेरा धन्यवाद 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 हो, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं खुदावन, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, राष्ट्रों के लिए, देशों के लिए। खुदावन का आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर का जस्टिस आ रहा है ज़मीन पे। आई हियर गॉड से माई जस्टिस इज़ कमिंग। परमेश्वर न्याय करेगा। जहाँ जहाँ गरीबों को सताया जा रहा है, जहाँ जहाँ विधवाओं को, अनाथों को, लोगों को इम्पॉवरिश रखा जा रहा है, जिस देश के अंदर परमेश्वर ने जितने रिसोर्सेज दिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, और पॉलिटिशियंस और अमीर लोग उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके बेनिफिट गरीब लोगों तक नहीं जाने दे रहे, परमेश्वर की जजमेंट में देख रहा हूँ उनके ऊपर आते हुए। परमेश्वर का न्याय आ रहा पॉलिटिकल अरीना में, पॉलिटिशियंस के ऊपर, करप्शन के ऊपर, जस्टिस को जो जस्टिस को पल्यूट करते हैं, जुडिशरी, जजेज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, लॉयर्स, पुलिस, एडमिन, जो न्याय को बिगाड़ते हैं, उनके ऊपर यहोवा की जजमेंट आ रही है। आई सी जस्टिस कमिंग। गॉड इज सर्विंग जस्टिस। हर एक अरीना में जस्टिस आ रहा है। कलीसियाओं के ऊपर न्याय आ रहा है, परमेश्वर तोल रहा है, जस्टिस आ रहा है। पासवानों को परमेश्वर सीधा कर रहा है, जो प्रभु के संग सही नहीं चल रहे, जो परमेश्वर की आत्मा में नहीं चल रहे, उनके ऊपर भी जस्टिस आ रहा है। तराजू है। आई सी द स्केल्स। तो भाई और बहनों, अपना अपना जीवन सही कर लो प्रभु के संग। सब अपना जीवन सही कर लीजिए। परमेश्वर का जस्टिस आ रहा है ज़मीन के ऊपर। दिस इज़ ए डिफरेंट सीज़न। ये अलग समय है। ये कोरोना वायरस, दिस इज़ अ जजमेंट। ये स्कर्ज है जो पूरी पृथ्वी पे घूम रहा है। इसे आप लाइटली मत लीजिए। केवल ये मत सोचिए कि ये डॉक्टर किया गया है वुहान की लैब में, चाइना में मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, इसे अमेरिकन इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए भेजा गया है ताकि ट्रंप ना जीत सके, वर्ल्ड इकॉनमी को टॉपल डाउन करने के लिए चाइना ने हथियार बनाया है। ये सब बातें होंगी, लेकिन आप समझें, बिगर पिक्चर ये है कि ये यहोवा परमेश्वर की जजमेंट है जो ज़मीन पर आई है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, ये इसलिए था कि लोग परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, तौबा कर लें। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा लोगों ने पाप ही कमाया है। घरों में निठल्ले बैठ के फ़ोन के ऊपर पोर्नोग्राफी देखी है और गंदे काम किए हैं। तो परमेश्वर की ओर पलटिए, यहोवा की ओर पलटिए। खुदावंद हम मिस्टर जॉन को, जॉन कंसवर को आपके हाथ में देते हैं। छू के उसे भी चंगा करें खुदावंद। अपनी कृपा का हाथ बढ़ाएं। मलकियत गिल, रेक्स गिल, जोयल गिल, उनके ऊपर अपने लहू का हाथ बढ़ाएं। एक बार फिर गीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रहलाद के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका लहू छिड़कते हैं। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। राजा धीराजा,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति। खुदावंद ये दिन खुदावंद सुक्का के दिन बूथ बना के तेरे हजूर में ठहरने के दिन है खुदावंद, याद करने के दिन है कि तूने कैसे हमारे पुरखाओं के संग अपनी वफादारी, अपनी फेथफुलनेस, अपनी कृपा, अपनी गुडनेस को प्रकट किया खुदावन। तूने बियाबान में लिए चला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावन। हम अपने जीवन तेरे चरणों पर रखते हैं, हमारे जीवन तेरे वचन के अनुसार हों, तेरी आज्ञाओं के अनुसार। प्रभु तू अपने भय के आत्मा में हमें चला, स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड टू रेस्ट अपॉन अस, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड टू रेस्ट अपॉन अस, हालेलुया, द ब्लेसेड स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड आई प्रे फॉर पवन, आई प्रे दैट यू वुड हील हिम ऑफ कैंसर लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद हम अपने आप को तेरे चरणों में देते हैं, तेरे चरणों में देते हैं, तेरे चरणों में देते हैं, हालेलुया, 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 तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद खुदावंद। तू हमारे अंदर गहरा काम कर, छिपे पाप खुदावंद, गुप्त गुनाह उन्हें निकाल खुदावंद, कमजोरियाँ घटियों को दूर कर खुदावंद, हमें छू, तेरे लहू के साए के नीचे आते हैं, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर, अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से, तन और मन से सुने और उसे अपने हृदय में रखे और उस वचन के अनुसार वही करे जो यहोवा की दृष्टि में भला है, और अपने कान उसकी आज्ञाओं की ओर लगाए और उसके स्टैचूज को, उसकी विधियों को अपने दिल में रखें, हालेलुया, तो क्या लिखा है, प्रभु कहता, आई विल नॉट पुट अपॉन दी डिजीजेज दैट आई पुट अपॉन इजिप्शियंस, मैं रोग तेरे ऊपर नहीं लाऊंगा। सुन रहे हैं आप, निर्गमन 15:26, प्रभु कहता मैं वो रोग तेरे ऊपर नहीं लाऊंगा। निर्गमन 23:25, एक्सोडस 15:26, कूच 15:26 और कूच 23:25, 23:25 में लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पे आशीष देगा और तेरे बीच में से सब रोग दूर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। होशे 7:1 में यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, जब मैं इसराइल को चंगा करता हूँ तब इब्राहिम का अधर्म और शमरोन की बुराई प्रकट हो जाती है। परमेश्वर बता रहा है कि कैसे उसकी प्रजा पाप में लिप्त रहती है और परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे नहीं चलती, परमेश्वर की विधियों को नहीं मानती। वो ये सोचती है कि कोई पास्टर बस दुआ कर देगा, मिरकल हो जाएगा, पादरी साहब भी बस परमेश्वर की जगह ले लेते हैं, खड़े होकर चंगा करने लगते हैं। प्रभु कहता अगर मेरी ओर मुड़ेगा, मेरी आज्ञाएं मानेगा, मेरी विधियों पे चलेगा, मेरे वचनों के अनुसार जीवन गुजारेगा, तो अब मैं तुझे चंगा करूँगा। तो भाई और बहनों, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे रद्द कर सकता हूँ? क्या मुझे प्रभु अगर चंगाई का वरदान दे देगा, प्रभु ने मुझे दिया चंगाई का वरदान, मैंने लाखों मिरकल्स देखे हैं, तो क्या वो चंगाई का वरदान परमेश्वर के वचन को ओवरराइड कर देगा कि चंगाई के वरदान वाला बंदा आके अनॉइंटिंग से बरकतें खोलता जाएगा, चाहे परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सारी शर्तें पूरी होती हों या ना होती हों? बताइए मुझे, इट विल नेवर हैपन। आपको अपना जीवन प्रभु से सही करना पड़ेगा, हालेलुया। अगर आपका जीवन प्रभु के संग सही हो जाएगा, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन ढाल लेंगे आप, तो आपको किसी से प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं। समझ रहे हैं आप, ये परमेश्वर की वाचा है। ये किताब के अंदर 66 बुक्स दी गई हैं, इसे पढ़ें,
इसके अंदर सारे स्वर्गीय सुपर नेचुरल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। हालेलुया। तो झूठे नबी और झूठे अपोसल और झूठे प्रचारक तो अपनी मार्केट बना ही लेंगे, आके आपको तेल देंगे, ये लीजिए मैंने प्रेयर की है, ये सॉल्ट पे की है, ये एप्रन कपड़े पे की है, पानी की बोतल पे की है, यहाँ तो मिट्टी तक बेचते हैं भाई, मिट्टी तक बेची उन्होंने, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, ऐसा प्रोडक्ट नहीं छोड़ा। तो ये कहाँ परमेश्वर का वचन है बताइए मुझे, जो बाइबल में से आपको पिछले लगभग 10 महीने से कलाम जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पूरी बाइबल खोल दी आपके आगे, पूरी बाइबल और हिब्रू ग्रीक लैटिन हर तरह का पर्सपेक्टिव आपके आगे पेश किया है, तो बताइए आप। तो प्रेरित पौलुस सही कह रहा है ना कि दिस इज़ अनदर जीसस, दिस इज़ अनदर गॉस्पल एंड दिस इज़ अनदर स्पिरिट, ये कोई और यीशु है, कोई और आत्मा है और ये कोई और सुसमाचार है। तो भाई और बहनों, सच्चे सुसमाचार की ओर मुड़िए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, सच्चे सुसमाचार की ओर मुड़िए। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आपकी विधियां, आपके हुक्म, आपके लोगों को सिखाने का काम आपने हमें सौंपा है, आपका सच्चा कलाम बार बार सिखाया जाए ताकि आपके लोगों का जीवन, आपके लोगों के जीवन के आत्मिक बुनियाद चट्टान पे हो और चट्टान को खोद के नींव डाली जाए। तो वचन में लिखा है आंधी आएगी, बारिश आएगी और बाढ़ आएगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, जो चट्टान पे बना घर है उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये रेत पे बने घर हैं, ये रेत पे घर बना रहे हैं लोग, तो आंधी आएगी, बारिश आएगी और जब बाढ़ आएगी तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा वहाँ पे। तो खुदावन तू चट्टान है, तेरे सच्चे कलाम की बुनियाद पे लोग अपने जीवन के घरों को बनाएं खुदावन, तेरे वचन पे, सिद्धांतों पे, प्रिसेप्ट्स पे, प्रिंसिपल्स पे खुदावन, हालेलुया, हमारा जीवन खड़ा हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। तू भला है खुदावन, तू जीवित है, तू हमारे बीच में है खुदावन, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, आप सबको जय मसीह की। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, सुबह 2 बजे 2:30 बजे से उठाऊं, और प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, जय मसीह की।